जब आप मार्केट में एक साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम या फिर मैं कहूँ एक स्लो अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी ट्रेड करेंगे, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। परंतु आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे ये प्रयास पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हाँ, सेंसिबल के हिंदी चैनल को करिए सब्सक्राइब। ऐसी सिचुएशन में आप सेल पुट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझने से पहले अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले हमने तीन स्ट्रैटेजीज कवर करी है जिसमें हमने बाय कॉल, बाय पुट और सेल कॉल स्ट्रैटेजीज को कवर किया है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप उन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, सेल पुट स्ट्रैटेजी एक सिंगल लेग्ड बुलिश टू न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। ट्रेडर्स इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल तब करते हैं, सबसे पहला जब वो एक स्टॉक में स्लो अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हो और दूसरा जब वो स्टॉक में एक साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इस स्ट्रैटेजी को कैसे ट्रेड किया जा सकता है, इसे आप दो तरीकों से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहला आपको जाना है सेंसिबल के स्ट्रैटेजी बिल्डर पेज पर और फिर जाना है रेडीमेड स्ट्रैटेजी सेक्शन में। यहाँ पर आपको बुलिश स्ट्रैटेजी में सेल पुट स्ट्रैटेजी पर क्लिक कर देना है। स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि सेल पुट स्ट्रैटेजी बिल्डर में लोड हो गई है और अगर आपको स्ट्राइक्स में या कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी में कोई भी चेंज करना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है, आपको सेंसिबल के स्ट्रैटेजी बिल्डर पेज पर जाना है और बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी इस बटन पर क्लिक कर देना है और फिर इस ऑप्शन चेन पॉपअप में से पुट साइड की जो भी स्ट्राइक आपको बेचनी है उसे यहां से सेलेक्ट कर लेना है। स्ट्रैटेजी को बिल्डर में ऐड करने के बाद आप उसे एनालाइज कर सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्म करेगी इस प्राइस और इस टाइम के स्लाइडर का इस्तेमाल करके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 5,100 रुपए के आसपास का है और ऐसा इसलिए क्योंकि पुट सेल एक नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है कि जब आप ऑप्शन बेचते हैं तो आपको प्रीमियम मिलता है और ये प्रीमियम ही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रहता है। यहाँ पर आपका मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है और वो इसलिए क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में आप लॉस तब बनाते हैं जब स्टॉक नीचे जाता है और स्टॉक चाहे जितना नीचे जा सकता है, इस वजह से यहाँ पर आपका लॉस अनलिमिटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में आपका ब्रेक इवन पॉइंट 19,600 के आसपास का है। ये वो लेवल है जहाँ पर आप ना ही प्रॉफिट में होंगे ना ही लॉस में एक्सपायरी वाले दिन। अब आता है पीओपी या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ये वो नंबर है जो आपके प्रॉफिट बनाने की मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी बताता है। ध्यान रखिएगा कि पीओपी ऑप्शन बायर के लिए हमेशा कम होती है और ऑप्शन सेलर के लिए हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि ऑप्शन सेलर दोनों ही केस में, अब चाहे स्टॉक धीरे धीरे मूव कर रहा हो या वहीं खड़ा खड़ा एक्सपायर हो जाए, इन दोनों ही केस में प्रॉफिट बनाता है। परंतु ऑप्शन बायर को प्रॉफिट बनाने के लिए स्टॉक को बहुत तेजी का अप या डाउन मूव देना पड़ता है। इस टॉपिक को हमने हमारी ऑप्शन लर्निंग सीरीज में बहुत डिटेल में कवर किया है। अगर आपने वो सीरीज अब तक नहीं देखी है तो उसे आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस ट्रेड में आपका पीओपी 63% के आसपास का है। कॉल और पुट बाय की तरह इस स्ट्रैटेजी में आपका मार्जिन प्रीमियम तक सीमित नहीं रहता है। इस स्ट्रैटेजी में आपको उससे भी कहीं ज्यादा मार्जिन देना पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्ट्रैटेजी में आपका फंड नीडेड 1.11 लाख का है और मार्जिन नीडेड 1.05 लाख का है। परंतु हाँ, एक तरीका है जिससे आप अपना मार्जिन बहुत सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। अगर आपको वो तरीका पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। एक हिंट दूं, उससे आपका मैक्स लॉस भी लिमिटेड हो जाता है। चलिए अब इस स्ट्रैटेजी का पे ऑफ चार्ट समझते हैं और यहाँ पर हमें ये कुछ ऑब्जर्वेशंस समझ में आती हैं। सबसे पहला, यहाँ पर आपका मैक्स प्रॉफिट प्रीमियम तक ही सीमित रहता है जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, और यहाँ पर आपको मैक्स प्रॉफिट तब होगा जब स्टॉक आपकी बेची हुई स्ट्राइक के ऊपर एक्सपायर होता है। नंबर दो, जैसे ही स्टॉक ब्रेक इवन लेवल के नीचे जाएगा आप लॉस बनाना शुरू कर देंगे, और नंबर तीन, जितना ज्यादा स्टॉक नीचे जाता रहेगा उतना ज्यादा आपका लॉस बढ़ता रहेगा। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी में आपका मैक्स लॉस अनलिमिटेड है। अब आता है मेन सवाल कि कौन सी स्ट्राइक को बेचा जाए। ऑप्शन ग्रीक्स का ऑप्शन स्ट्राइक्स पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ग्रीक्स चार प्रकार के होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा। चलिए समझते हैं कि इन ग्रीक्स का ऑप्शन स्ट्राइक्स पर कैसा प्रभाव पड़ता है। शुरुआत करते हैं थीटा से। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि थीटा और ऑप्शन सेलर बिल्कुल जय और वीरू की तरह होते हैं, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड। पर क्यों? क्योंकि थीटा ऑप्शन सेलर को पैसे बनाकर देता है। एक ऑप्शन सेलर जब ऑप्शन बेचता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि ऑप्शन का प्राइस धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा
और जितना ज्यादा ऑप्शन का प्राइस नीचे जाएगा उतना ही ऑप्शन सेलर को होगा प्रॉफिट। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर बाकी सब कुछ कांस्टेंट रहता है तो ऑप्शन की प्राइस रोज धीरे धीरे घटती रहती है थीटा डीके की वजह से, और यही बनता है ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट। अब बात करते हैं डेल्टा के बारे में। हमें पता है कि सेल पुट स्ट्रैटेजी एक बुलिश स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में आप तब पैसा बनाते हैं जब स्टॉक ऊपर जाता है, क्योंकि जब अंडरलाइन ऊपर जाएगा तो पुट ऑप्शन का प्राइस नीचे जाएगा और पुट ऑप्शन सेलर को होगा यहाँ पर प्रॉफिट। तो सबसे पहला, अगर आप OTM स्ट्राइक बेचते हैं तो उसका डेल्टा 0.3 से 0.4 के बीच का होता है। इसका मतलब अगर अंडरलाइन एक रुपए से ऊपर जाता है तो आपको 0.4 रुपए का यहां पर होगा प्रॉफिट। नंबर दो, अगर आप ATM स्ट्राइक बेचते हैं तो उसका डेल्टा होगा 0.5 का, तो अगर अंडरलाइन एक रुपए से ऊपर जाता है तो यहां पर आपको 0.5 रुपए का होगा प्रॉफिट। नंबर थ्री, अगर आप IDM स्ट्राइक बेचते हैं तो उसका डेल्टा 0.7 से 0.8 के बीच का होता है। इसका मतलब अगर अंडरलाइन एक रुपए से ऊपर जाएगा तो आपको होगा 0.8 रुपए का प्रॉफिट। अब बढ़ते हैं अगले ग्रीक की तरफ, वेगा। जब IV हाई हो तब आपको ऑप्शंस बेचने चाहिए, क्योंकि जब IV हाई होता है तो ऑप्शन प्रीमियम्स भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और जब IV नीचे गिरता है तो ऑप्शन की प्राइजेस भी बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिरती हैं, और इसी वजह से होता है ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट। अगर आप IV के बारे में और डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस वीडियो की समरी की तरफ। अगर IV ऊपर जाता है तो ऑप्शन प्राइजेस भी ऊपर जाती हैं, जो कि सेलर के लिए अच्छा नहीं है। अगर IV नीचे गिरता है तो ऑप्शन की प्राइजेस भी नीचे गिरती हैं, और ये सेलर के लिए फायदेमंद है। नंबर दो, जैसे जैसे टाइम निकलता रहता है ऑप्शन की वैल्यू घटती रहती है, इसे हम टाइम वैल्यू DK या थीटा DK कहते हैं, और ये ऑप्शन सेलर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो कुल मिला के अगर आप सेल पुट स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, आप मार्केट में एक साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा IV हाई है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो सेल पुट स्ट्रैटेजी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और हाँ, सेंसिबल के हिंदी चैनल को करिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ इस वीडियो की लर्निंग्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में अगली स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।